नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, मीडिया की फेवरेट एक्ट्रेस हैं कंगना रनावत, उनकी एक फिल्म का डायलॉग था, अभी तो हमें और जलील होना है। गोदी मीडिया को खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि तुम्हें अब कितना और जलील होना है भाई। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कल टीवी के अंदर जो डिबेट्स होते हैं उसके बारे में क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। टेलीविजन पर होने वाली डिबेट्स दूसरी चीजों से कहीं अधिक प्रदूषण फैला रही हैं, क्योंकि ये लोग, ये डिबेट्स बगैर तर्क के होती हैं, ये लोग समाज के अंदर जहर फैलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इसके क्या मायने, कुछ देर बाद मैं चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों। मगर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह है एनडीटीवी की एक रिपोर्ट जो उन्होंने गुरुग्राम से फाइल की। इस रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार ने मुसलमानों को खुले में कुछ जगहों पर नमाज अदा करने की इजाजत दी थी, सरकार ने इजाजत दी थी, ऐसा नहीं कि उन्होंने जबरदस्ती की थी। और उसके बाद क्या हुआ, विश्व हिंदू परिषद और जो हिंदुत्ववादी दल हैं उनके लोग आए, जहां वो नमाज अदा करने वाले थे उन्होंने वहां पर गोबर के कंडे बिछा दिए, उन्होंने वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए, उन्होंने वहां पर जो है खुद पूजा अर्चना शुरू कर दी, जबकि प्रशासन ने, मनोहर लाल खट्टर सरकार ने मुसलमानों को इजाजत दी थी वहां पर नमाज अदा करने की। अब आपके स्क्रीन पर एनडीटीवी की रिपोर्ट, जानते हैं रिपोर्ट क्या कह रही है। ये रिपोर्ट ये कह रही है दोस्तों कि वहां का सदर में, सदर बाजार का एक गुरुद्वारा है और उस गुरुद्वारे में सिखों ने अपील की है मुसलमानों से कि आप आइए और गुरुद्वारे के अंदर नमाज अदा कीजिए। दोस्तों, जब यह खबर मैंने देखी तो मेरा गला भर आया। मुझे लगा कि देखिए, यह देश अभी भी जिंदा है, उसके अंदर लोगों के अंदर की इंसानियत जिंदा है और यह छोटी छोटी मिसालें जो हैं वो प्रमाणित करती हैं कि हम आपस में जुड़े हुए हैं। नफरती राजनेता चाहे जितनी भी कोशिश करें वो इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। यकीन मानिए दोस्तों, अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द गुरुद्वारा ऑफ सदर बाजार इन गुरुग्राम। आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आप जो खूबसूरत मिसाल पेश कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं इस खूबसूरत मिसाल से, इस सार्थकता से, इस पॉजिटिविटी से देश जुड़ेगा और अपने अंदर जो नफरत है ना उसे खत्म करेगा। और मैं यह भी जानता हूं कि सदर बाजार के इस गुरुद्वारे ने जो किया है उसकी चुनौती बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि न्यूज चैनल्स जो आए दिन रोज हमारे प्राइम टाइम में जहरीले डिबेट्स करते हैं, हमारे बच्चों के अंदर जहर भरने का काम कर रहे हैं, उसके चलते ये छोटी छोटी जो मिसालें हैं ना दोस्तों ये कम पड़ेंगी। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आम इंसान सबक लेगा और ऐसे गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स के जहरीले डिबेट्स को देखना बंद करेगा। और उसी से जुड़ी है दोस्तों आज की मेरी अहम खबर आपके स्क्रीन पर। टीवी पर होने वाली डिबेट्स दूसरी चीजों से कहीं अधिक प्रदूषण जो है वो फैलाती हैं। ये बात क्यों कही गई मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो स्मॉग है, प्रदूषण है, वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। सरकार लॉकडाउन की भी सोच रही है और उस पर जो है कल सुप्रीम कोर्ट में जिरह चल रही थी। और तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्यों कहा और मोदी सरकार फिर जहरीले डिबेट वाले न्यूज चैनल्स के साथ खड़ी दिखाई दी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, टेलीविजन परिचर्चाओं से किसी भी दूसरी चीज से कहीं अधिक प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है और क्या मुद्दा है, बयानों का संदर्भ से बाहर इस्तेमाल किया जाता है, हर किसी का अपना एजेंडा होता है, हम कोई मदद नहीं कर सकते और हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हम समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब आप कहेंगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा दोस्तों कि मोदी सरकार के जो नुमाइंदे थे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर न्यूज चैनल्स की डिबेट का हवाला दे रहे थे प्रदूषण के मामले में अपने पक्ष को रखने के लिए, न्यूज चैनल्स की डिबेट्स का। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्या हुआ था। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टीवी पर परिचर्चाओं का जिक्र करते हुए कहा
कि इसमें दावा किया गया है कि उन्होंने वायु प्रदूषण में पराली जलाने के योगदान पर शीर्ष अदालत को गुमराह किया था, उन्होंने यानी कि मोदी सरकार ने। आगे तुषार मेहता क्या कहते हैं, मैंने अपने खिलाफ टीवी मीडिया पर कुछ गैर जिम्मेदार और अप्रिय बयान देखे कि मैंने यह दिखाकर पराली जलाने के सवाल पर अदालत को गुमराह किया है कि इसका योगदान केवल 4-7% है, मुझे स्पष्ट करने दीजिए। अदालत इसके जवाब में क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। शीर्ष अदालत ने कहा, हमें बिल्कुल भी गुमराह नहीं किया गया है, आपने 10% कहा था लेकिन हलफनामे में यह बताया गया था कि यह 30-40% है। आगे अदालत क्या कहता है, इस प्रकार की आलोचना होती है जब हम सार्वजनिक पदों पर होते हैं, हम स्पष्ट हैं, हमारा विवेक साफ है, ये सब भूल जाइए, इस प्रकार की आलोचनाएं होती रहती हैं, हमारा विवेक स्पष्ट है, हम समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं। और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी डिबेट्स में जो डिबेट होते हैं वो जिस तरह का जहर इस वक्त समाज में है उससे कहीं ज्यादा जहरीले ये डिबेट्स हो गए हैं। दिलचस्प बात यह दोस्तों कि तुषार मेहता उन न्यूज चैनल्स का जिक्र कर रहे थे, तुषार मेहता जैसे कि आप जानते हैं मोदी सरकार के नुमाइंदे हैं, उन न्यूज चैनल्स में मोदी सरकार को गलत ढंग से कोट करने की बात कर रहे थे या उनके बयान को संदर्भ से अलग पेश करने की बात कर रहे थे जिन न्यूज चैनल्स पर सवार होकर बीजेपी सियासत करती है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा ना दोस्तों उसे आपको सही मायनों में समझना पड़ेगा, आपको यह समझना पड़ेगा कि ये न्यूज चैनल्स किस तरह से तमाम हदों को पार करते हैं। और मैं आपको पिछले एक साल या पिछले 1.5-2 साल से न्यूज चैनल्स पर क्या परोसा जा रहा है, कितना जहरीला परोसा जा रहा है, जो कितना खतरनाक है, एक एक करके आपको बतलाना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के दिए गए बयान के संदर्भ में। सबसे पहले दोस्तों ये चैनल देखिए, जी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में हिंदुओं से चूड़ी जिहाद, मध्य प्रदेश के अंदर एक चूड़ी वाला एक गली में जाता है, चूड़ी बेच रहा होता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है यह बताकर कि वो चूड़ी जिहाद कर रहा था। यह न सिर्फ जी हिंदुस्तान ने किया था बल्कि अंबानी के न्यूज चैनल ने भी यही चलाया था। फिर ये देखिए, कई दिनों पहले पुराना एक प्रोग्राम है, मुस्लिम मुक्त भारत, एक लोकतंत्र के अंदर देश के अंदर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले न्यूज चैनल ने यह जहर चलाया था, मुस्लिम मुक्त भारत। आगे देखिए, जैसे मैंने कहा ना, चूड़ी बहाना लव जिहाद निशाना, हिंदू घरों पर मजहबी कब्जा, हिंदुस्तान में कोरोना बम फैलाने वाले मानव बम, एबीपी न्यूज ने दोस्तों कोरोना की पहली लहर में तबलीगी जमात के जो कार्यकर्ता थे उन्हें मानव बम बताया था, सरासर झूठ चलाए थे इन्होंने तमाम न्यूज चैनल्स ने तबलीगी जमात के खिलाफ, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों बाद में मुंबई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तबलीगी जमात को जीत मिली थी। आपको याद होगा चीफ जस्टिस बोबडे का बयान सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने क्या कहा था कि जिस तरह से तबलीगी जमात को मीडिया ने टारगेट किया है, उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति का दुरुपयोग किया है, इतनी बड़ी बात कही थी। और उस वक्त भी मुझे याद है यही मोदी सरकार के नुमाइंदे थे, वो गोदी मीडिया को सही ठहराने में लगे हुए थे, आज उसी गोदी मीडिया का रोना रो रहे हैं कि साहब मेरे बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, देश में हिंदू घर बेचकर भागने पर मजबूर क्यों, यानी कि हर तरफ आप देख रहे हैं दोस्तों भड़काया जा रहा है हिंदुओं को किसी तरह से। आगे देखिए साहब, हिंदू विरोधी एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है, यह इनकी देश की बहस है दोस्तों। किसान के आंदोलन में डबल स्टैंडर्ड की खेती, अरे डबल स्टैंडर्ड की खेती तो न्यूज चैनल्स में चलती है, मुझे बताइए ना ये न्यूज चैनल्स कब सत्ता से सवाल करते हैं, किसानों के ऊपर आरोप लगाते हैं ये लोग कि ये लोग डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं, किसानों को तो पहले तुमने बदनाम किया, तुम बदनाम नहीं कर पाए तो फिर तुम डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, असली हिंदू वर्सेस ढोंगी हिंदू, एक तरफ मोदी जी एक तरफ राहुल गांधी, किसे असली हिंदू और किसे नकली हिंदू। फिर देखिए, रोहिंग्या मुसलमान इसलिए ममता के मेहमान। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं देश के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल, और देखिए उनके न्यूज चैनल में किस तरह का जहर फैलाया जा रहा है, कितना प्यार दिया देश की जनता ने मुकेश अंबानी को, मगर इन्होंने क्या क्या चलाया देखिए आपकी स्क्रीन पर। कश्मीर में आजादी का त्योहार, विपक्ष का डर वाला दुष्प्रचार, कांग्रेस के लिए कश्मीरी बिकाऊ है। क्या इस न्यूज चैनल ने कभी यह सवाल किया कि कश्मीर के नाम पर हम छाती ठोकते हैं,
वोट हासिल करते हैं मगर फिर कश्मीरी जनता को बदनाम करते हैं, उनको अलग अलग लफ्जों से नवाजा जाता है, क्या ये न्यूज चैनल सवाल करते हैं? आगे देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, इनकी तो भक्ति का क्या कहना। भारत का जोश हाई, पाकिस्तान की जग हसाई, 370 पर मोदी शाह का वार, पाकिस्तान लाचार, यानी कि हर तरफ या तो हिंदू मुस्लिम या तो पाकिस्तान। 7 साल से पहले हम पाकिस्तान की परवाह भी नहीं करते थे, अब इन न्यूज चैनल्स में हर डिबेट पाकिस्तान पर होता है, पाकिस्तान पर नहीं होता था, हिंदू मुसलमान पर होता है। फिर ये देखिए दोस्तों, रिपब्लिक का डिबेट, हिंदुओं के हक पर हाहाकार, शरणार्थियों की मदद, हिंदू मुस्लिम बंटवारा कैसे? मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं दोस्तों, ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ मिसालें दी हैं। आप जाइए इन न्यूज चैनल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइम टाइम में 80% कार्यक्रम जो हैं वो सिर्फ जहर पर आधारित हैं। और मैं आपको एक और दिलचस्प मिसाल देता हूं, आज से 1 साल पहले एक वीडियो चलाया जा रहा था कि देखिए तबलीगी जमात के लोग किस तरह से खाने में थूक रहे हैं। खुद न्यूज 18 ने उस दावे के बारे में पड़ताल की और वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नहीं, ये गलत दावा है, ये काम तबलीगी जमात नहीं कर रहे थे। आप जानते हैं 1 साल बाद उन्हीं का न्यूज चैनल डिबेट कर रहा है कि खाने में क्यों थूका जा रहा है, और उसी वीडियो का इस्तेमाल करके जिससे इनके चैनल ने आज से 1 साल पहले गलत साबित किया था, फेक न्यूज बताया था। यानी कि जिस न्यूज को फेक न्यूज बताया जाता है 1 साल पहले, उस पर यह न्यूज चैनल 1 साल बाद डिबेट करता है। मेरी शिकायत इन न्यूज चैनल से नहीं है, मेरी शिकायत आपसे है, आप जो इस देश की जनता है। सबसे पहले आपको झूठ बोल रहे हैं ये लोग, दूसरी बात आपके अंदर, समाज के अंदर तनाव पैदा कर रहे हैं, आपकी सोच को एक ही दिशा की तरफ कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बस। तीसरी बात, आपको भड़का रहे हैं और आपको डरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप में यह बताया जा रहा है कि साहब अगर मोदी जी चले गए, अगर बीजेपी चले गए तो मुगलों का राज आ जाएगा, मुसलमान आपके घरों में हमला करेंगे। मतलब ये तमाम चीजें चल रही हैं, जैसे 2014 से पहले इस देश में मुगलों का राज था। 2014 से पहले इस देश की जो ट्रेन है ना, वो आर्थिक पटरी पर चल भी रही थी, नौकरियों को लेकर हालात वो बहुत अच्छे नहीं थे, मगर आज से 50 गुना या 100 गुना ज्यादा बेहतर थे। ये न्यूज चैनल्स असली मुद्दों से आपका ध्यान भटकाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कल का दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, ना गोदी मीडिया के लिए ना सरकार के लिए। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि त्रिपुरा की बिप्लव देव सरकार ने 102 लोगों के खिलाफ वो धारा लगाने का की धमकी दी थी जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती है, जिसे कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, और इसके अंतर्गत वो लोग कभी भी गिरफ्तार कर सकते थे। इसके खिलाफ 3 लोग जो हैं वो लोग अदालत गए। कौन कौन 3 लोग हैं? न्यूज क्लिक के पत्रकार शामीरा सिंह, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अंसार अंदौरी और मुकेश, जो कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को नोटिस इश्यू किया है कि आप इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, यानी कि आप यूएपीए के धारा के अंतर्गत आप इन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। कड़ी फटकार लगाई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने। इत्तेफाकन त्रिपुरा में एक और ड्रामा चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं एचडब्ल्यू न्यूज की 2 पत्रकार स्वर्णा झा और समृद्धि शुक्ला दोनों अब भी त्रिपुरा में हैं। उन्हें बेल मिल चुकी है दोस्तों, मगर उन्हें 21 नवंबर तक अब भी त्रिपुरा में रहना है। आप मुझे बताइए ना, बेल का क्या फायदा दोस्तों? बेल मिल चुकी है उन्हें अदालत से, मगर अभी 21 तारीख को रहना है, क्योंकि उन्हें रोज पुलिस, त्रिपुरा की पुलिस बुला रही है और उनसे पूछताछ कर रही है। यानी कि वो लोग फंसे पड़े हैं त्रिपुरा के अंदर, दोनों रिपोर्टर्स, महिला रिपोर्टर्स, दोनों महिला रिपोर्टर्स वहां फंसी पड़ी हैं, एक स्वर्णा झा है, एक समृद्धि सकुनिया है। मैं बार बार इसलिए तो कहता हूं दोस्तों, इस देश के अंदर यह मायने नहीं रखता कि आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, इस देश के अंदर यह मायने रखता है कि अगर आप सत्ता से सवाल करेंगे तो आपको दफना दिया जाएगा, आपको टारगेट किया जाएगा, और यह मिसाल यह प्रमाणित करती है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की हम बात करें तो चलिए, शाह मीरा सिंह को राहत मिल गई, बाकी 2 लॉयर्स को भी राहत मिल गई, मगर इन 2 चेहरों पर मैं चाहता हूं आप गौर करें, उमर खालिद, सिद्दीक कप्पन। सिद्दीक कप्पन आज से 1 साल पहले इन्हीं धाराओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है।
उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि हाथरस में गुड़िया के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या होती है। वो वहां जाता है और वहां पहुंचने से पहले ही उसे आतंकवाद की धाराओं में पकड़ लिया जाता है और जेल में बंद है। वो अपनी 90 साल की मां से मिलने के लिए सिद्दीक कप्पन के लिए मुश्किल हो जाती है। उमर खालिद के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस ने प्रमाण पेश किया वो तो हास्यास्पद है। प्रमाण उन्होंने पेश किया है भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से। कैसे? क्योंकि जब रिपब्लिक न्यूज चैनल और शायद न्यूज 18 से अदालत ने पूछा कि आपने जो उमर खालिद का आंशिक बयान या उनका आंशिक भाषण सुनाया ये कहां से है, क्या आप वहां मौजूद थे, तो जानते हैं न्यूज चैनल ने कहा नहीं हम मौजूद नहीं थे, हमने अमित मालवीय के ट्विटर हैंडल से वो बयान उठा लिया है। अमित मालवीय कौन दोस्तों? बीजेपी के प्रचार तंत्र का मुखिया जो कई बार झूठ बोलते पकड़ा गया है, लगातार पकड़ा गया है, जहरीले प्रचार तंत्र का मुखिया। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, उस आधार पर आतंकवाद की धाराएं उमर खालिद के खिलाफ लगा दी गई, वो अब भी जेल के अंदर, कितनी बड़ी त्रासदी है दोस्त। बार बार हम साबित कर रहे हैं कि हमारा न्याय जो है ढकोसला है, यह पूरी न्यायिक प्रक्रिया जो है उसमें साफ तौर पर एक विरोधाभास है, साफ तौर पर पक्षपात दिखाई देता है। खुद सोचिए, आप कभी उसका हिस्सा हो जाएं फिर आप क्या कीजिएगा? जब उस बेबसी के माहौल में आप फंस जाएंगे तब आप लगातार रोते रहेंगे और तब आपके पक्ष में वही पत्रकार खड़े होंगे जिन्हें आज आप गाली देते हैं, जिन्हें आप देशद्रोही बताते हैं। क्योंकि हमारा मकसद इस सत्ता से सवाल करना है, यही एक पत्रकार का धर्म होता है और वो हम करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं।